أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العلي العظيم. ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 کے زیر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کے ذیل میں شروع ہوئی تھی, اور یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے کہ اس میں اس میثاق اور عہد کو بیان کیا گیا کہ جو اس عہد اور پیمان کو بیان کیا گیا کہ جو بنی اسرائیل سے خداوند متعال نے لیا, اور جو قابل توجہ نقطہ ہے وہ یہ کہ ایک ایسا حکم کہ جو ان الشرک لظلم عظیم, کہ قرآن کہتا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے, توحید خدا کی عبادت اور خداوند متعال کی اطاعت, یہ ایک ایسا حکم خدا ہے کہ جو اصل مقصد تخلیق ہے کہ صرف اور صرف خدا کی عبادت کی جائے, خدا کی اطاعت کی جائے, خدا کا قرب حاصل کیا جائے, خدا کی رضا کو حاصل کیا جائے. اس آیت میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو جہاں خدا کی اطاعت کا حکم آیا, توجہ کریں آیت کیا ہے, لا تعبدون الا اللہ, لا تعبدون الا اللہ, تعبدون اللہ کے ساتھ فرق کرتا ہے. تعبدون اللہ یعنی اللہ کی عبادت کرو, لا تعبدون الا اللہ یعنی سوائے خدا کی کسی کی عبادت نہ کرو. وہ فرق ہے دونوں کے درمیان. تعبدون اللہ یعنی اللہ کی عبادت کرو تو ممکن ہے کسی اور کی بھی عبادت جائز ہو, لیکن جب کہا لا تعبدون الا اللہ یعنی تمام عبادتوں کی نفی کی جا رہی ہے, صرف خدا اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں شرک, کہ شرک کی نفی ہے کہ شرک نہ کرو. خوب شرک نہ کرو, ولا تشرکو بہی شیئا, جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 36,
वाबुदुल्ला वला तुशरिकु बिही शैया, कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करार दो। तो इखलास, इखलास यानी तौहीद, तौहीद यानी इखलास, तौहीद यानी इखलास, इखलास यानी तौहीद। ये जो इखलास है, तौहीद है, ये जो है वो इंशाल्लाह इसको किसी मौके पर तफसील से बयान करेंगे कि खुद तौहीद के अकसाम हैं। एक तौहीद ये है कि एक तौहीद ये है कि हम अल्लाह यानी खालिक अल्लाह सुबहान व तआला की ज़ात है, इसको कहते हैं तौहीद दर खल्क, तौहीद दर रुबूबियत, तौहीद दर इताअत। ये जो आयत है ला ताबुदूना इल्लल्लाह, सूरह बकरा की आयत नंबर 83, ये तौहीद दर इबादत को बयान कर रही है। या सूरह निसा की आयत नंबर 36 तौहीद दर इबादत को बयान कर रही है। इसी तरह सूरह अनआम की आयत नंबर 151, ये भी तौहीद दर इबादत कह सकते हैं, लेकिन सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 वाज़े तौर पर जो है वो तौहीद दर इबादत को बयान कर रही है। वक़ा रब्बुक अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहू, वक़ा रब्बुक अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहू, यानी खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करो। बस तवज्जो फरमाया आपने कि ये जो आयात हैं जिसका हवाला भी हमने आपकी खिदमत में दिया, ये सब तौहीद दर इबादत को बयान कर रही है, ये सब तौहीद दर इबादत को बयान कर रही है। हो यहाँ पर खूब तवज्जो करें कि यहाँ पर खुदावंद मुताल इस अहम तरीन हुक्म खुदा यानि सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, खुदा की इबादत में शिर्क नहीं होना चाहिए, खुदा की इबादत में रियाकारी नहीं होनी चाहिए, किसी और की इबादत ना हो। दो चीज़ें हैं, एक दफ़ा हम किसी और की इबादत करें, अलअयाज़ बिल्ला नऊज़ु बिल्ला, यानि बुतों की इबादत करें, एक दफ़ा ये कि हम अपनी इबादतों में दूसरे इंसान की खुशी को लेकर आ जाए, और ये भी शिर्क खफी से रिवायतों में इसको ताबीर किया गया, यानी मख्फी शिर्क है, छुपा हुआ शिर्क है। खूब, बस ये जो खुदा ने मुताल का एक अहम तरीन हुक्म है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, खूब यहाँ पर और कुरान ने मुतअद्दिद मकाम पर, कई मकामात पर खुदावंद मुताल ने जहाँ पर खुदा की इबादत का हुक्म दिया वहाँ पर वालदेन के साथ एहसान का हुक्म दिया। तो जो फरमाते हैं वालदेन के साथ एहसान का हुक्म दिया कि इस पर हम आज तफसील से गुफ्तगू करेंगे, शायद आज और आने वाली गुफ्तगू दो, कम अज़ कम जो वो दो दिन की गुफ्तगू वालदेन के हुकूक और वालदेन के साथ एहसान और इसके माना और इसकी तशरीह में इंशाल्लाह, और यहाँ पर इस जेल में जो मुश्तहिदीन के फतवे हैं वो आपकी खिदमत में बयान करेंगे। लेकिन इब्तदाई तौर पर अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो नोट करें कि कुरान में कितने मकामात पर वालदेन के साथ एहसान का हुक्म आया, और कई मकामात पर जहाँ पर खुदा सिर्फ खुदा की इबादत का हुक्म आया, खुदा के से साथ शिर्क ना करने का हुक्म आया, इस अहम तरीन हुक्म के साथ खुदावंद मुताल वालदेन के साथ एहसान का हुक्म दे रहा है। खूब देखें सूरह बकरा की, ये है सूरह बकरा की आयत नंबर 83, सूरह निसा की आयत नंबर 36 क्या है, वअबुदुल्ला वला तुशरिकु बिही शैया, वअबुदुल्ला अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करार दो, वबिल वालिदैन एहसाना,
वालदेन के साथ एहसान करो। तो ये जो है वो सूरह निसा की आयत नंबर 36, सूरह अनआम की आयत नंबर 151, सूरह अनआम की आयत नंबर 151 क्या है? अल्लाह तुशरिकु बिही शैया, कि खुदा के साथ किसी को शरीक ना करार दो। व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ जो वो एहसान करो। देखिए जहां पर शिर्क के खुदा की नफी या अल्लाह के साथ अल्लाह की सिर्फ इबादत होनी चाहिए का जो हुक्म है, उसके बिल्कुल साथ जो हुक्म चिपका हुआ है वो है वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23, वकदा रब्बुका अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 के जहां पर खुदा ने मुताल हुक्म दे रहा है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, फौरन उसके साथ जो हुक्म आया वह बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। सूरह बनी इसराइल की ये जो आयत नंबर 23 है, ये तो कमाल की आयत है। कमाल की आयत है यानी क्या मतलब? यानी फकत इस पर इक्तफा नहीं किया कि वालदेन के साथ एहसान करो, नहीं, यहाँ पर आयत नंबर 23 और आयत नंबर 24 जरा मुलाहिजा फरमाए। सूरह बनी इसराइल 17 सूरा, 17वां सूरा, और इसकी ये दो आयत जो एक दूसरे से अटैच है, इसको जरा मुलाहिजा फरमाइए। वकवा रब्बु का यानी खुदा ने मुता तुम्हारे रब का फैसला है। क्या फैसला? अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, कि खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करो, और साथ जो मसला अटैच है वो क्या है? वह बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। हो उसके बाद कुरान यानी यही आयत आगे कंटिन्यू होती है, इम्मा हो अगर हो सके तो कुरान खोल लें, अगर आपके पास कुरान अवेलेबल है तो सूरे बनी इसराइल 17 सूरा आयत नंबर 23 हो। कुरान क्या कह रहा है? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा ओ किलाहुमा, कि अगर तुम्हारे पास यानी तुम्हारे वालदेन में से दोनों या कोई एक अगर बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे पर पहुंच गया, तो फला तकुल्लहुमा उफिन, तो इन दोनों को उफ ना कहो, वला तनहरहुमा, और इन दोनों को मत झड़को। झड़कना यानी मसलन आप किसी बात पे उनसे इख्तलाफ करें, मुखालिफत करें, ये इंशाल्लाह अगले सीस्तानी की यहाँ पर हम आपके खिदमत में जो है वो इस सप्ताह बयान करेंगे तो बात को मजीद वाजे हो जाएगी। वला तनहरहुमा, और मत झड़को इन दोनों को, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और इन दोनों से शाइस्ता गुफ्तगू करो, शरीफाना गुफ्तगू करो, आसान लहजे में, आसान अंदाज में, अच्छे लहजे में, अच्छे अंदाज में इनसे गुफ्तगू करो। और उसके बाद कहता है कुरान आयत नंबर 24 में सूरह बनी इसराइल, वक्फिज लहुमा जनाह जुल्ले, यानी अपने दोनों शानों को इनके सामने झुका दो। वक्फिज लहुमा जुनाह जुल्ले मिन रहमा, के शफकत के साथ, रहमत के साथ, यानी इनके साथ रहमत और शफकत के साथ पेश आओ। वकुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और इस तरीके से कहो रब्बि रहमहुमा, कि खुदाया इन दोनों पर रहमत नाजिल कर, जिस तरह इन्होंने बचपने में हमारी तरबियत की। रब्बयानी यानी तरबियत की हालत तुफूलियत में, बचपने में। सूरह अनकबूत आयत नंबर 8, सूरह अनकबूत जो 29th सूरह है उसकी आयत नंबर 8, वसैनल इंसान बे वालदे, और हमने इंसान को वसीयत की है कि अपने वालदेन के साथ हुस्न अच्छा बर्ताव करे, अच्छा सुलूक करे। अब यहां पर
जो है वो एक इजाफी एक कुरान जो वो एक नुक्ते को बयान कर रहा है, कुरान जो वो एक नुक्ते को बयान कर रहा है वो क्या है, वो ये है, खूब तवज्जो करें, वो क्या है, वो ये है कि अगर जो है वो तुम्हारे वालदेन अगर खुदा से किसी को शिर्क करने का हुक्म दे तो उसमें उन दोनों की इताअत मत करना। इसलिए कि खुदा का एक कानून है, ला मासियत ला इताअत फी मासियतिल्लाह, ला ला इताअत लिल मखलूक ला फी मासियतिल्लाह, इस तरह की हदीस का जुमला है, यानी बंदों की इताअत खुदा की मासियत में जायज नहीं है। जायज नहीं है कि खुदा की इताअत खुदा की मासियत में किसी की इताअत की जाए, माँ बाप की इताअत की जाए खुदा की मासियत में, ये जायज नहीं है। कि इंशाल्लाह इस्तेफाद यहाँ पर आपकी खिदमत में बयान करेंगे, अगर इसी तानी की जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। खो सूरह लुकमान में फिर तवज्जो करें, सूरह लुकमान और सूरह आकाफ इन दो में जो नुक्ता बयान किया वो काबिले तवज्जो नुक्ता है, और ये वो दो आयतें हैं कि जहां पर जो है वो माँ की अहमियत को बयान किया जा रहा है। कि इंशाल्लाह रिवायत आपकी खिदमत में बयान करेंगे कि रिवायत बयान करेंगे कि रिवायतों में जो ज्यादा हक बयान किया गया है वो माँ का हक बयान किया गया है। कि इंशाल्लाह उस उन रिवायतों को इस्तेफाद को इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पढ़ेंगे। तो सूरह लुकमान और सूरह आहकाफ, सूरह लुकमान और सूरह आहकाफ ये दो सूरों में, इन दो सूरों में सॉरी इन दो आयतों में कि सूरह लुकमान की आयत नंबर 14 वो वसैनल इंसान बेवालिदैही, कि हमने इंसान को वसीयत की उनके वालदेन के बारे में वसीयत की है। वो वाजे है वालदेन के बारे में वसीयत की यानी क्या मतलब, क्या मतलब वालदेन के बारे में वसीयत की, यानी उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आया जाए, अच्छे अखलाक से पेश आया जाए। अब यहां पर कुरान ने सूरह लुकमान आयत नंबर 14 कि अगर कुरान है तो खोल लें, इसमें सूरह लुकमान 31 सूरा है, 31वां सूरा है और आयत नंबर 14 है। अब यहां पर कुरान ने इब्तिदा तौर पर बयान किया वालिदैन की हमने वसीयत की, अब उसके साथ ही जो हुक्म खुदा आ रहा है या एक मतलब आ रहा है वो माँ की अहमियत को बयान कर रही है ये। यानी इस आयत से भी अगर रिवायत ना भी हो तो इस आयत से भी मुमकिन है इस्तेफादा किया जाए कि माँ की अहमियत, माँ की फजीलत, माँ का एहतराम ये बाप के एहतराम से जो वो ज्यादा है, बाप के एहतराम से ज्यादा है। क्या है आयत, वह हमलत हु उम्मुहु वहनन अला वहनन, यानी माँ ने उस इंसान को उठाया हुआ है, क्योंकि माँ जो वो अपने हमल में अपने रहम में बच्चे को उठाती है, वाहनन अला वाहनिन यानी दुश्वारी पर दुश्वारियां उठाना, माँ को माँ का हमल करना बच्चे को, औरत जो है वो जानती है कि कितना दुश्वार है, मर्द भी एक हद तक जो को एहसास कर सकता है, लेकिन कुरान हमें खबर दे रहा है कि ये माँ का उठाना वाहनन अला वाहनिन है, यानी दर्द पर दर्द है, मुश्किल पर मुश्किल है। और फिर कुरान अब ये तफसीर अपने मकाम पर के वफिसालुहु फी आमैन, और दूध छुड़वाने का जो की मुद्दत है वो 2 साल की है। और ये अब हुक्म खुदा है कि इंशाल्लाह जब इस आयत पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह तो फिर वहां पर अहकामाते जो फिकी अहकाम है वहां पर बयान करेंगे। उसके बाद कुरान कहते हैं अन अशकुरली वले वालिदैक, देखें यहां पर फिर खुदा ने मुताल अपने करीन अपने साथ अपने हमरा
वालदेन को लेकर आ रहा है। अशकुरली कि हमने वसीयत की इंसान को, क्या वसीयत की कि वो मेरा शुक्र अदा करें और अपने वालदेन का शुक्र अदा करें, अपने वालदेन का शुक्र अदा करें। इलैहि अल-मसीर के हमारी तरफ ही पलट कर आना है। ये सूरह लुकमान की आयत नंबर 14, सूरह अहकाफ क्या है, सूरह नंबर 46, सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15 क्या है, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا कि हमने इंसान को वसीयत की है कि वो अपने वालदेन के साथ एहसान करें। एहसान किसको कहते हैं, ये इंशाल्लाह आगे सीसानी के स्टेप साथ में हम पढ़ेंगे कि एहसान किसको कहते हैं, सॉरी माजूद के साथ वहां पे भी पढ़ेंगे और रिवायत मोतबरा भी आपकी खिदमत में बयान करेंगे कि एहसान रिवायत ने एहसान किसको कहा है जो कुरान कह रहा है अपने वालदेन के साथ एहसान करो। तो एहसान का क्या माना है ये इंशाल्लाह रिवायत जो बयान कर रही है उसको इंशाल्लाह की खिदमत में बयान करेंगे। वह वसैनल इंसान अब वालदे एहसाना, फिर इस आयत में सूरह अहकाफ में फिर इस आयत में माँ की अहमियत को बयान किया गया, माँ की फजीलत को बयान किया, माँ के रुतबे को बयान किया। लिहाजा इन आयत से, सूरह लुकमान की आयत से भी और सूरह अहकाफ की आयत से भी पता चलता है कि माँ की फजीलत, माँ का रुतबा, माँ का एहतराम बाप के एहतराम से ज्यादा है, बाप के एहतराम से ज्यादा है। अब देखें यहाँ पर भी कुरान ने क्या कहा, वह हमलत हो उम्मुहु कुरहन के माँ जो कि वो उस इंसान को अपने पेट में उठाती है, कुरहन यानी शिद्दत के साथ, जहमत के साथ, मुश्किलात के साथ, वह वजाअत हो कुरहन और जब वज हमल का वक्त आता है, जब डिलीवरी का वक्त आता है, जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है, तो फिर वो जो कि वो सख्ती के साथ जो कि वो बच्चे की पैदाइश बच्चे को जन्म देती है। वह हमलुहु व फिसालुहु सलासुन शहरा, अब ये तवज्जो करें, वह हमलुहु व फिसालुहु, यहां से एक हुक्म शरी इस्तेफादा होता है कि कम अज कम हमल की मुद्दत कितनी हो सकती है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत बयान करती है कि 6 महीने का हमल था इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6 महीने के जो वो का हमल मौजूद था बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हमें, ये रिवायत बयान करती है। यहाँ पर कुरान की आयत क्या बयान करती है, वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, कि हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 महीने है। हो सूरह लुकमान में क्या कहा था, दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 2 साल, 2 साल कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं, 30 महीने में कितने महीने बाकी रह गए, 6 महीने, तो हमल की मुद्दत कितनी है, 6 महीने की। लिहाजा इस हदीस इस आयत से इस्तेफादा होता है, इस आयत से इस्तेफादा होता है कि हमल की मुद्दत जो 6 महीने की है, दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीने की और हमल की मुद्दत जो वो 6 महीने की है। अल्लाह हाल सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 भी माँ की जो कि वो फजीलत और खसूसियत को बयान कर रही है। अब यहां तक तो आपकी खिदमत में इन जो है वो उन आयात का तस्किरा बयान तस्किरा किया कि जहां पर वालदेन के साथ कुरान में एहसान और नेकी का हुक्म दिया। खूब तवज्जो फरमाया आपने, यानी जहां खुदावंद मुताल, यानी एक नई आयत मुतअद्दिद मकामात पर जहां पर खुदा तौहीद की दावत दे रहा है, शिर्क ना करने की दावत दे रहा है, वहां पर खुदावंद मुताल जो कि वो इसके साथ साथ क्या दे रहा है, हुक्म दे रहा है कि जो वालदेन के साथ एहसान करो। खूब अब वालदेन के साथ एहसान करना किसको कहते हैं, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत रिवायत मोतबरा है, सही है अभी वल्लाद हन्नात की रिवायत रिवायत मोतबरा है, और सनद जो सनद है रिवायत की, रिवायत मोतबर किसे कहते हैं, यानी मसलन शेख कुलैनी से लेकर छठे इमाम तक जितने भी रावियान हदीस है वो सारे के सारे ऑथेंटिक रावी हैं, सारे के सारे मोतबर रावी हैं। खूब हदीस है अभी वल्लाद अल हन्नात
फरमाते हैं कि साल तो अब अब्दुल्ला अलैहि सलाम छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम से मैंने सवाल किया, अन कौलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल व बिल वालिदैन एहसाना मा हाज़ल एहसान, के अभी वल्लाद हन्नात कहते हैं कि मैंने छठे इमाम से सवाल किया कि कुरान की ये जो आयत है व बिल वालिदैन एहसाना, ये जो कुरान की आयत है इसमें एहसान से मुराद क्या है, इसमें एहसान से मुराद क्या है? तो फ़काल अल एहसान अन तुहसिना सोहबतहुमा, कि एहसान का मतलब ये है कि इनसे अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करो, अन तुहसिना सोहबतहुमा यानी इनसे जो कलाम करो, इनसे जो बात करो, इनसे जो गुफ्तगू करो नरम लहजे से, अच्छे अंदाज से, कड़क लहजे में नहीं, डांट कर नहीं, चिल्ला कर नहीं, तवज्जो किया कि अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करो, ये है एहसान का मतलब। और फिर इमाम फरमाते हैं वल्ला तुकल्लिफहुमा, अजीब है ये आयत, वाकान अजीब आयत है ये, वल्ला तुकल्लिफहुमा अन यसअलक शयन मिम्मा यहताजान इलैह व इन काना मुस्तग्नियैन। खूब, उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उनको इस बात की तकलीफ ना दो, इस बात की भी जहमत ना दो कि वो तुमसे जो है वो जिसके वो मोहताज है तुमसे उसका सवाल करे, यानी कबल सवाल उन्हें अता करो, कबल सवाल। खूब, औलाद जो औलाद अपने माँ बाप के करीब होती है, मिजाज को जानती है, वो जानते हैं कि माँ बाप को किस चीज़ की ज़रूरत है, माँ बाप को किस चीज़ की ज़रूरत है। खूब, यहाँ पर कुरान जो को यहाँ पर जो को आयत इमाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक इरशाद फरमाते वल्ला तुकल्लिफहुमा, उन दोनों को तकलीफ ना दो, किस चीज़ की तकलीफ, कि अल्लाह यसअलकुम अल्लाह यसअलका यसअलका शयन मिम्मा यहताजा नहीं, कि जिस चीज के वो मोहताज हैं वो तुमसे सवाल करें इसकी तकलीफ ना दो। यानी क्या मतलब इस जुमले का, इस जुमले का मतलब हो गया कि कबल इसके के वो तुमसे सवाल करे तुम उसे अता कर दो, वो तुम उसे अता कर दो, ये है एहसान का मतलब। फिर इमाम फरमाते वह इनका ना मुस्तगनी है, अगरचि वो लोग गनी हो, अगरचि वो लोग गनी हो, बेनियाज हो, फिर भी अगर उन्हें किसी चीज की हाजत है तो कब इसके कि वो तुमसे सवाल करें उनको अता कर दो, ये है एहसान। बस एहसान इस रिवायत के लिहाज से दो नतीजे, दो नुकते निकले, एक ये है कि उनके साथ गुफ्तगू में कलाम में हुस्न अच्छे तरीके से गुफ्तगू की जाए, और दूसरा ये है कि कब इसकी वो तुमसे कोई सवाल कर जिसकी उनको एहतियात हो तुम उसे तकलीफ ना दो सवाल करने की और उन्हें अता कर दो, ये है एहसान। खूब, अब यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में जो वो चंद आगे सीस्तानी के इस्तफतात को बयान करता हूँ, इस जेल में कुछ रिवायात भी बयान होंगी जो वालदेन के हकूक से मुतालिक है, वालदेन के हकूक से मुतालिक है। जाहिर है अक्सर इन दुरूस में शिरकत करने वाले जो वो एजेड अफराद हैं, लिहाजा आप अपने बच्चों को इन रिवायात और इन फतावा से आशना करें, रिवायात और इन फतावा से जो वो अपने बच्चों को आशना करें। एक सवाल आगे सिस्तानी से ये किया गया कि मेरे वालदेन जो कि वो का इंतकाल हो गया है और दोनों फौत कर चुके हैं जबकि बड़ा बेटा जिंदा है और कैद हयात में है, तो आया मैं उनकी तरफ से नमाज पढ़ सकता हूँ अपने वालदेन की तरफ से? देखें, वालदेन के ऊपर वाजिब नमाजें थी और बड़े बेटे पर बाप की कज़ा नमाजें हैं। अब सवाल ये कि बेटियां या दूसरे बेटे जो छोटे बेटे हैं क्या वो नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? अब सवाल ये है, जवाब क्या देते हैं? साइट आ गई सीस्तानी की डॉट सीस्तानी डॉट ओ आर जी अरबी, उसमें अगर सीस्तानी जवाब देते यजूज़ बल हुआ नौ मिनल एहसान इलल वालदैन,
फयुज़ाफ़ु सवाबुक। अजीब है ये जवाब। फरमाते कि जायज़ है, बल्कि ये एक किस्म का वालिदैन के साथ एहसान है। कुरान ने क्या कहा था, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। वो वालिदैन के साथ एहसान करो कि यहाँ पर जो आ गई सीसानी, जो जवाब दिया गया है सीसानी की साइट पर, क्या कहा कि ये जो माँ बाप की तरफ से जो कदा नमाजों का अंजाम देना है, ये एक किस्म का वालिदैन के साथ एहसान है। फयुज़ाफ़ु सवाबुक, बस तुम्हारा सवाब दुगना हो जाएगा। एक तो नमाज पढ़ना और फिर वालिदैन के हक में हदिया करना है उनकी तरफ से नमाज पढ़ना, ये जो आपका सवाब डबल हो जाएगा, बेशतर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। खो खो मैं जो वो यहाँ पर इस्तेफ्ताद इंशाल्लाह, बाकी जो इस्तेफ्ताद है वो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट गुफ्तगू होगी उसमें इंशाल्लाह तफसील के साथ बयान करेंगे। बस आज जो है वो दो या तीन रिवायतों को आपकी खिदमत में बयान कर दें कि इस आयत सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 24 के ज़ेल में रिवायत क्या है। आयत नंबर 24, वग़फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्ले, अपने दोनों शानों को शफकत के साथ उनके सामने झुका दो और कहो वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। देखिए, वालदैन ने मरहूम के लिए जो एक एहसान हो सकता है वो ये कि उनके लिए कसरत के साथ दुआए मग़फ़िरत की जाए, दुआए खैर की जाए, दुआए रहमत की जाए, उनकी तरफ से सदका दिया जाए, नमाजों को पढ़ाए पढ़ा जाए, कुरान उनकी तरफ से पढ़ा जाए। खूब, ये सब बहुत ही बेहतरीन अमल है। लेकिन जो कुरान ने बयान किया कि उनके लिए जो कि वो रहमत की दुआ करें, मिसाल के तौर पर ये कोशिश करें इंसान नमाज के कुनूत में, जहाँ पर दूसरी हाजतों को तलब करते हैं, रब जिदनी इल्मा, रब्बना आतिना फि दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार, इसी तरह जो मसलन इस दुआ को पढ़े क्या, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वलि वालिदैया वलि जमीउल मोमिनीन, कि खुदा मेरी मगफिरत कर, मेरे वालदैन की मगफिरत कर और तमाम मोमिनो मोमिनात की मगफिरत कर। और उसके बाद वक्त और कहें रब्बिरहमहुमा, खुदा इन दोनों पर रहमत नाजिल कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह इन्होंने हालत तुफूलियत में मुझ पर रहमत को नाजिल किया। अब ये इंसान दुआ करे दुआ करे, ये दुआए खैर माँ बाप के हक में, माँ बाप के हक में बाई से रहमत है, बाई से तख़फ़ीफ़ अज़ाब है, बाई से दर्जात की बुलंदी है। बेटे के हक में ये दुआ, बेटे के हक में ये दुआ करना एहसान है माँ बाप के ऊपर, जो कुरान ने कहा वबिल वालिदैन एहसाना, खास तौर पर उन वालिदैन की निस्बत जो वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हों। अगर मौजूद है तो इंसान खिदमत करके, और जो तरीका बयान किया गया उस तरीके से इंसान खिदमत करके माँ बाप की जो कि वो के साथ जो कोई एहसान कर सकता है। लेकिन वो जो है वो औलाद, बदकिस्मत औलाद कि जिनके वालदैन इस दुनिया से जा चुके हैं और वो खिदमत करके उस जो है वो खुदा की आला तरीन रजा को हासिल नहीं कर सकते हैं, खुदा के कुर्ब को हासिल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो अब उनकी तवान में उनके इख्तियार में है वो क्या है, वो ये कि उनकी तरफ से नेक आमाल अंजाम दें, उनकी नमाजों को अंजाम दें, सदका करें उनकी तरफ से, कुरान की तिलावत करें उनकी तरफ से, और ख़ास तौर पर जो है उनके लिए दुआए मगफिरत, तलब मगफिरत, खास तौर पर नमाज की हालत में, नमाज के बाद, कि ये दो मकामात है जहाँ पर इंसान की दुआ जो है वो ज़्यादा इजाबत के करीब है जैसा कि बयान किया जाता है। तो इंसान जो कि वो इन हालतों में ज़्यादा से ज़्यादा इन दुआओं को जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वलि वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, के ये जो कि वो
ये दुआ करे वह रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो ये जो है वो उनके लिए खास उनके हक में एहसान हो जाएगा। खूब, यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम से रिवायत है, ला तमला ऐनक मिन नज़र इलैहिमा इल्ला बिरहमतिन व रिक्कतिन, तुंद और गुस्से वाली निगाहों से मत देखो, ला तमला ऐनक मिन नज़र इलैहिमा, तुंद निगाहों के साथ, गुस्से की निगाहों के साथ उनकी तरफ निगाह मत करो, इल्ला बिरहमतिन व रिक्कतिन, मगर रहमत के साथ उनकी तरफ देखो, रिक्कत के साथ यानी नरमी के साथ उनके साथ देखो, वला तरफा सौतक फौका सौतिहिमा। वाकई आज की औलाद के लिए ये रिवायत बड़ी अहम है, आज के बच्चों के लिए, वला तरफा सौतक फौका अस्वातिहिमा, और अपनी आवाज को उनकी आवाज पर बुलंद मत करो, यानी जो हुक्म खुदा ने मुताले खदी मत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिया था, वही हुक्म बच्चों के लिए अपने वालदेन के लिए कि अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ के ऊपर बुलंद ना करो, वला ये रख फौका अयदीहिमा, और नहीं अपने हाथों को उनके हाथों पर बुलंद करो, वला तुक़द्दिम क़दमाहुमा, के बाद रिवायतों में आया वला तुक़द्दिम क़दमाहुमा, यानी तुम्हारे कदम अपने वालदेन के कदम से आगे ना हो, के बाद रिवायतों में बयान किया गया कि वालदेन के पीछे चलो, वालदेन के आगे मत चलो। और ये और कुरान की ये आयत कि अन अशकुरली वले वालिदैक, कि मेरा शुक्र अदा करो और वालदेन का शुक्र अदा करो, इमाम अली बिन मूसा रिजा यानी आखिरी इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन अल्लाह अज्जा वजल अमर बिशुक्र लहू वलिल वालिदैन, के खुदा ने मुताल ने हुक्म दिया है कि खुदा का शुक्र अदा करें और वालदेन का शुक्र अदा करें, और फिर इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फमन लम यशकुर वालिदे लम यशकुरिल्लाह, जिसने वालदेन का शुक्र अदा नहीं किया उसने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया। और यहाँ तक जो आपने इन आयात को इन रिवायतों को मुलाहिजा फरमाया, इंशाल्लाह आने वाली गुफ्तगू में कुछ इस्तफ्तात जो आगे शीसानी से पूछे गए हैं वालदेन के हक और हुकूक के एतबार से उसको बयान करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो उन मजीद कुछ और अहादीस को बयान करेंगे जो वालदेन के हक और हुकूक से के बारे में जो रिवायात बयान करती हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन।